बल्लेपुर प्रखंड के कुशमा टांड काशी टांड फुटबॉल मैदान में मासस के वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन एवं वन भोजन में मासस युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष जगदीश रवानी शामिल हुए। वहीं सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने वन भोज का आनंद लिया। जगदीश रवानी ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की झारखंड के विकास के दावों में कोई सच्चाई नहीं है। जनता को कहीं विकास देखने को नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि लोगों की सेवा करने के लिए पद में होना अनिवार्य है। अगर पार्टी निर्णय लेगी तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा और जनता के समर्थन से जीत कर दिखाऊंगा। मुख्य रूप से वनभोज के आयोजन करता डॉक्टर नवीन चंद्र महतो, जगन्नाथ महतो, रवि महतो, राजकुमार महतो, सुनील महतो, काशी मंडल परेश महतो को धन्यवाद दिया। देखिए विकास हुआ, अपना नजर से बता रहे विकास हुआ, लेकिन हम लोग को तो उस तरह से कहीं देखने नहीं मिल रहा है। वो अपने तरफ से जो कर रहे हैं तो किए होंगे, ऐसा भी बात नहीं है। 2024 में लोकसभा नजर में नहीं, 2024 में लोकसभा विधानसभा का चुनाव है, जगदीश रवानी अपने आप को कहाँ देखते हैं 24 के चुनाव में? इसमें जगदीश रवानी का इसमें पार्टी का बात है, मार्क्सवादी समाज समिति जो विचार पार्टी का जो हित होगा। देखिए चुनाव नहीं लड़ने से आप भलाई नहीं कर सकते। देश में जो है कि आप जो है कि शिक्षा हो, ये बेरोजगार हो, ये सब समस्या जो है पद नहीं मिलने से नहीं हो पाता है। लेकिन जगदीश रवानी ऐसा कोई नहीं है कि अपने ही बल पर जो है कि चुनाव लड़ेंगे, यदि अगर जनता का सहमति बने। मासस में बुजुर्ग लोग इसलिए एक साथ है कि युवाओं को दिखाया, आज का जो बैठक हुआ इसमें युवा तक एक मैसेज जाएगा कि आज हम लोग गार्जियन जो है कि हम लोग एक साथ है, और कुछ कुछ युवा जो है कि इधर उधर भटक रहे हैं।